हेलो गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी एंजल वन आईडी में प्रॉब्लम आ रही है कि आपने पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट तो करी है पर पासवर्ड आपके अकाउंट में वो आ नहीं रहा है, तो कैसे आपने जो पासवर्ड की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। आज की वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्व करूँगा। दरअसल मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरा पासवर्ड नहीं आ रहा था मेरे अकाउंट का, तो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उनकी टीम के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपने ब्राउज़र में सर्च कर सकते हैं एंजल स्पोर्ट। तो यहाँ पर एंजल वन स्पोर्ट सर्च करने पे यहाँ पर उनका कस्टमर केयर नंबर भी हमें दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा रहा है 1860200002006, ये उनका नंबर है। अगर आप डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो कस्टमर केयर उनका जो आपकी कॉल उठाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। पर मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। कई यूज़र क्या होते हैं वो कॉल नहीं करते हैं, तो कॉल अगर आप करने में कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पे नीचे उनका ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है ebooking@angelbooking.com। तो यहाँ पे अगर जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमें यहाँ पे लिखनी है और अपने अकाउंट की डिटेल देनी है। साथ में हमें एक और चीज़ भी करनी है कि हमें जो स्क्रीनशॉट है जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है उसका अटैच कर देना है। मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी तो यहाँ पे मैंने उनको प्रॉब्लम सेंड करी कि मेरे अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया था, पर आपको 48 घंटे वेट करना पड़ेगा। 48 घंटों के अंदर उनकी टीम एक रिप्लाई करेगी, एक मेल सेंड करेगी। जिस ईमेल आईडी पे आपने मेल सेंड किया है उसमें आपको एक मेल बैक सेंड होगा और उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसका सोल्यूशन वो बताएंगे। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी, इस तरीके से मैंने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा था। और अगर आप इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप उनको कॉल कर सकते हो और कॉल करके आपने अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करनी है और उनको अपने अकाउंट के बारे में बताना है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है और कस्टमर केयर आपके जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और कंप्लेन करनी है जो प्रॉब्लम आ रही है। होप करता हूँ कि आप ये मेथड ट्राई करोगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।